अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों, ये कहानी तो हम सब ने सुन रखी है कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। दोनों ने रेस लगाई, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था, सो गया, कछुआ जो है वो आगे निकल गया और रेस जीत गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी इसके बाद शुरू होती। वो ये है कि अगले रोज़ उन दोनों ने फिर रेस लगाई और इस बार खरगोश ने अपनी गलती से सीखा और वो रुका नहीं, वो सोया नहीं, वो चलता रहा और जीत गया। और कछुए ने अगले रोज अपनी इस गलती से सीखा कि मैं रेस के लिए नहीं बनाया गया हूँ, मैं ताकत के मुकाबले के लिए बनाया गया हूँ। ये जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, नाकामियाँ आती हैं, ये हमें कुछ बताने आती हैं, कोई सबक देने आती हैं। हमें यहाँ रुक नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी में जो हालात बुरे होते हैं वो मंजिल नहीं होती, वो माइलस्टोन होता है जो बताता है कि मंजिल अभी इतनी दूर है। इसलिए मसाइल पर रुक ना जाया करें, उससे आगे बढ़ जाया करें। आइए इसी पैगाम के साथ आज आपको लेके चलते हैं एक घराने में जो इकट्ठे रहते हैं सारे, और देखते हैं वहां क्या हो रहा। सलाम अलैकुम जी। माल सलाम जी। ये क्या कर रहे हैं बुजुर्ग आप? ये बंटवारा की था होर में टूल प्लाजा बना। यार ये किस किस्म का बंटवारा है भाई? ये बंटवारा कर देता भी अद्धी औलाद उधर तो अद्धी औलाद इधर। अच्छा ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? शादियां की थी दो। अच्छा वाह वाह। तीन बच्चे है। अच्छा। दूसरी बीवी चो एक बच्चा पहली बीवी चो। यानी एक उनका सौतेला भाई हो गया। जी हाँ। और बेटी वगैरह है आपकी? बेटी भी है। अच्छा। एक बच्चा जेड़ा पहली बीवी चो ना मेनू बहुत प्यार, यकीन करो भी थोड़े सामने भी आएगा तो दिल करेगा इनू जफ्फी पावा इदी पप्पी करा। अच्छा इतना प्यारा बच्चा। हाँ प्यार क्यूट नहीं कहते जिनू? हाँ हाँ। इनका बेटा क्यूट ही हो सकता है मैक्सिमम। तो हमारी आंटी हयात है? दूसरी जड़ी हो हयात है। अच्छा ये जिसको आपने अलग किया है ये शादीशुदा है? शादी यदि मैं करती है उस कुदरत दे काम है, सोने रब दे औलाद नहीं अल्लाह ने दी। ओहो कितना अरसा हुआ शादी को? 4 महीने हो गए। 4 महीने हुए यार अभी? 4 महीने च तू नंबर बन ना सकदा, औलाद नहीं होता। मैं क्या जनाब, तुसी 4 महीने च काले पै गए हो, नू लेके आए हो कि कुकड़ी लेके आए हो? मां तेरी बकवास जड़ी ना सिर्फ तेरे प्यो दी वजह ना सुन दे। खुदा का नाम ले यार, तेनू पता भी तू उथे जाके चाचे नु मजाक करना ते तू अबे नु नाल लेके आ जाना। तो आपने अलग क्यों कर दिया उसे, हुआ क्या? मैं सारी जिंदगी इन्हां दी खिदमत कीती, इन्हां लई कमा के लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अज जे दो रोटियां मैनू दे देण के ते क्या फर्क पैंदा? वाह वाह। वैसे एक बाप 10 बच्चे पाल लेता, 10 बच्चे एक बाप नहीं पालता। लेकिन वैसे इनके बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। किस चीज का? इनको पालने का। लेकिन ऐसी औलाद जो आपको 2 रोटियां नहीं खिला सकती उसको घर से निकाल बाहर करें। 2 खाता हो तो वो खिला दें। गल ये काकी ए नसीबा इंसान औलाद दे नाल जो कुछ करदा ना अंग्रेजी की कहंदे पे ब्लेंड करदा। सुला करा देते हैं, बुलाए उसे जरा। मैं नहीं बुलाना। क्यों नहीं? मैं बुलाना ही नहीं। हुआ क्या, नाराजगी क्या है भाई? मैं तेनू दसा भी रात की तबीयत नहीं थी, जिसम टुट भज रहा। ओए राती दवाई खादी है? खादी होनी। सवेर दा उठ यार, मतलब यार तू माड़ी गल करदा भी खादी होनी है। मैं तो आपकी बात आपकी हां में हां मिला रहा हूं यार। भाई यार इदां दी हां मिलाउनी भी अगले ने बेइज्जत कर देना। यार इसमें आपने कहा दवाई खाई, मैंने क्या खाई होगी जी? मैं रात दवाई खादी ओदे बाद सवेरे उठिया तो जिस्म टुट भज रहा। ऐसा हुआ कि एक कप यखनी दा दे दियो। यखनी नहीं देती यार? आपकी जौजा को भी तो पता है कि रात से आपकी तबीयत नहीं ठीक तो वो बना दे आपको यखनी। वो तो बेचारी सारी रात कुटदी रही है, मैनू हुण ओदी अख लगी है। ओए होए होए अखबार वाला इन्नी लेट आया, वानू पता भी हुंदा सुबह सुबह मैं ये असल च लेट इस वास्ते है भी इहनू मरोड़दा रहा हो। भाई तुसी ते बंटवारा कर चुके हो जिस तरह का भी किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मैं लग्जरी जिंदगी गुजार रहा हूं। अच्छा भी बेटा तेरी इस लग्जरी जिंदगी ते ना लख दी लग्जरी। इधर ते देखो टेरेस ते बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। हां पढ़ो। द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। वाह वाह वाह। क्रिप्टो करप्टो। देखो जी इंग्लिश हूं ही आई ना अखबार है ये। अच्छा मेरी बात सुनो, छोड़ो सारी फजूल बातें, अखबार पढ़ना भी छोड़ो। इस वक्त तुम्हारी सारी दुनिया, तुम्हारा बाप, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हस्ती तुमसे नाराज बैठा है। इतनी बड़ी हस्ती है, पूरी मंजी दे कल्ला बैठा। यार शर्म करो, माफी मांगो, सॉरी करो। ओ कादी सॉरी करिए जदों बंटवारा ही करता साडा, सानू चक के मारिया इधर
बंटवारे की क्या बात है, बाप का दिल बड़ा नरम होता है। उन नरम के जो तो इन्ने गोशत दे थले होना नरम ही होना दिल। बड़ा बदतमीज बच्चा भी आपका। चक के मारिया मैं उधर तो हूं ही टेरेस चेंज आए कर रहा था। मेरी बात सुनो जी जी। तुम छोटे से थे जब से तुम्हारे वाले इन्ना भी छोटा नहीं सीगा, इंसान का बच्चा इन्ना छोटा नहीं। काका थोड़ा जा बड़ा कर ला, तू समझ भी इनको नहर से बंदा लेके खड़ा सी। चले माफ कर दे, आपकी औलाद है। तो कपुत हो जाते हैं, मापे कमापे नहीं होंगे। मेरे दिल च इन्हां लई कोई बुराई नहीं है। ये ना क्यों नहीं पूछा अपनी जनानी नूं भी उन्हें मैनू कप यखनी का क्यों नहीं दिता। यार अब्बा जी को यखनी दो, रात को उनका जिसम टूट रहा था, उन्होंने दवाई खाई है, सुबह उनका और जिसम टूट रहा था। तुसीं सियाणे ब्याणे हो, एडा जिसम एडी छेती टुटदा। तू इदां कर भी कप यखनी तो पहले ना मैनू डांगा मार। यार ला दो एक कप यखनी, बाप मान जाएगा। बस बन चलिए अब्बा जी, बस थोड़ी देर रह गई, बस बन रही है यखनी, गैस नहीं आ रही सी। ओ मठी मठी अग ते रख दे, अब्बा जी ने कहा कितने जाना, सारी दिहाड़ी मंजरीक का गोला बन के बैठे रहते इतने। चलो ठीक है, मैं दो कप बना दी, एक थोड़े वास्ते ते एक अब्बा जी वास्ते। नहीं अब्बा जी लिए क्यों बना, तू है एक अपने लिए बना एक मेरे लिए बना, कोई अब्बा उब्बा जी नहीं, बंटवारा हो गया इस घर का। चल अंदर चल जा, एडी सखी आई है। जिस तरह कहो तुम। ओ अब्बा जी मेरा वा, तेन बहुत एहसास आता, जो मर्जी करो। यार बीमार बाप है, कोई दवा ला के कुछ नहीं करदा सर जी, कुछ नहीं करदा। आना ही है ना इस उम्र च, आना ही है। अब्बल तो मेरिया दुआवां ना इत्थे तक आना नहीं। यही गल है, यही हरूम साहब गल है, जिहड़ा मुंडा एक आ इन्हां दा पहला उमतरिया, उहदे नाल करदे आ लाडियां, उहदे नाल करदे प्यार, उहनूं कहिंदे लै तू कुछ ना कर। ओ बच्चा देखो कि थोड़ी अखां खुलियां रह जाणगियां। मेरा ये बच्चा देख के आंखे खुली रह गई। अज मरन वाली याद आ रही है। तो जो जिंदा है उसे बुला लो। ओ सारी रात बेचारी मेरियां लत्तां दबाउंदी रही है, घड़ी उहदी अख लग गई, मैं कहा चलो सौं जाए। इहदे च कहड़ी हर्ज वाली गल है। नहीं खैर, बड़ी फर्मा बरदार बीवी है आपकी, आपके पाँव दबाती रही है पूरी रात। अल्लाह का शुक्र है, एवं नहीं ब्याह किया। नहीं एवं नहीं किया होना। बुलाए बुलाए यार बुलाए। पगा की गल है वे? वे यार ये वे क्या होता है? ए इदा दी मेरी औलाद भी इतनी इज्जत नहीं करती जितनी ये करता। वाकई पूरी रात दबाया होगा उन्होंने। वाकई। पगा जी की तकलीफ है, अख लगी सौन देगा कि नहीं? पगा जान छड़ दे मेरी जान। जानू मोहतरमा बाहर आइए, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी अभी आती हूँ जी। सदके जावा काशिप दे अब्बू, आज तुहाडी आवाज एडी प्यारी कि नहीं हो गई है। काशिप के दा नाम आपके बच्चे का होगा? नहीं साडा बच्चा तो कोई नहीं, काशिप मैं उंजी इनके प्यार ना कहनी। ये कैसा प्यार है? सदके जावा तुसी बुलाया मेनू। नहीं आप सदके ना जाए, आप इनको ना यखनी बना दें, बेचारे बीमार हैं रात से। बीमार किथे, टुट पैना नशे करदा 24 घंटे। यखनी ना पिलाओ इनू, दूध गर्म करके पिलाओ इनू, कुश्तियां लड़नी है तू किसे नाल? आप मोहतरमा तशरीफ रखे यहाँ प्लीज। सारा जहेज मेरा बेच के खा गया, टुट पैना। ओ माय गॉड, आप क्या क्या लाई थी जहेज में? एडा सोना मेरे प्यो ने प्लास्टिक का टप दिता सी। वो जहां तो चुंदा सी मैं उथे एल्फी लाई सी। ये टुट पैना, वो छाल भी इंज मारता सी जिवें स्विमिंग पूल च मारी। और खाली टप नहीं, मेरे प्यो ने पूरा सैट दिता सी, नाल डोंगा भी दिता सी। सैट कैसे हो सकता है? इको रंग दे सन ना। और क्या था नाल? ओदे मैचिंग पीली भी सी। वो पीढ़ी का सुन लो जी, प्लास्टिक दी वो फटी सी जी, जिस दिन पहले दिन ओदे ते बैठा ना जी जी, एदा दी टुट के मेरे आ पट च वजी है, अंधा घंटा खून बगदा रहा। ते प्यार दी निशानी भी ते पै गई ना उत्थे दी। की दसां हरून साहब, हीरे वर्गे दो पुत्र मैनू जम के दिते, पर अब्बे नू कदर होवे ते फेर है ना। अल्लाह का शुक्र कक। अच्छा बेफिक्र होके बैठे ने कि जिवें बड़ा ब्राइट फ्यूचर है इन्हां दा। अरसलान पर चाह पीनी है? मामा मेरी स्किन का मसला है, मैं नहीं पीनी चाहिए। अपने प्यो दी जेब चो पैसे काट दे, दूध लेके आ चाह बनावा। पैसे हुंदे कदों ने इन्ना कोल? क्यों जेब ते सारा मुकाता बेच बेच के देखिया, 20 साल चलिया टप। फरहान बेटे लो बुला लो। फरहान जी अब्बा जी।
अच्छा यार आप वापस जाएं, फरहान को भेजें। ए फरहान है? अरे फरहान। हाँ मेरा फरहान। तो वो क्यूट वाला किधर है? यानी ये क्यूट है ही नहीं। ये बच्चा है मेरी पहली पागां वाली जेड़ी ना ओदे च जो फौत हो गई है। वो चाचू को सलाम करो। चाची जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। लिहाज नी करना। नहीं तेरा हाथ लगी गेंद वापस किन्ने लैनी है? एक गल तेनू कह दे तेरे। चल मेरा शेर ध्यान पुत्र इधर बाल ना जाए। नहीं नहीं यार वो बैठा ही। एक मिनट पुत्र एक मिनट हेलमेट वाला पुत्र बॉल फास्ट आएगी तो ध्यान मेरा पुत्र है। ए चल हो गई। चलो इसे गल का डर सी मैं देखना केड़ा गेंद लेंदा साडे वालों। गेंद रिपोर्टेड है पकड़ा दे वो। ज्यादा देर रोवे ना ते गल्लां लाल हो जांदियां। मैं भरावां दी नहीं मननी अब्बा जी। फिर भी तुसी मेरी बाप दी तरह अच्छा नहीं लगदा। इदां तरह की मतलब होए? राई होवा मेरा ख्याल है मैं किते ना किराएदारां नाल बंटवारा कर दे। ओ दे दे काका गेंद दे दे। है नहीं कोई गेंद। अब्बा जी मैं की सुन लिता है? तो मेरी तीरा नहीं आई। तुसी फिर बंटवारा कर दिता है? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ? ਅੰਦਰ ਆਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ। ਓਏ ਆ ਪਰੇ ਹੋ ਤੂੰ ਓਏ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਥੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪੋਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਦੇ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰੇ ਕਰੋ ਪਰੇ ਕਰੋ ਪਰੇ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ। रोटी खाधी सालन पाई जा। हद हो गई यार बैठो। धीए चाह पीनी है? वो चाह मैं नहीं पीनी। भैन पी लो चाह ताड़े बाने सन भी लभ जाएगी। ये कोई चीज बेचनी नहीं हैगी तो प्यो दी ऐनक बेच के दूध तो ले आओ। ਆਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਆ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋ ਆ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸ਼ਬਾਨਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ਬਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਅਸ਼ਬਾਨਾ? ਮੈਂ ਥੱਥਾ? ਮੈਂ ਅਸ਼ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ਬਾਨਾ 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 ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ 20 ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਨਾ ਓਹੋ ਕੌਣ ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉੱਧਰ ਬਹਿਨੋਈ ਤੇ ਭੈਣ ਆਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਜਖਣੀ 'ਚ ਜਾ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯਖਨੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਅਸ਼ਬਾਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਥੁੜਿਆ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇਰੀ, ਜਿਸਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਓਏ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਆ ਮੌਸਮ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਡੈਂਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਡੈਂਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਡੈਂਗੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣੀ ਹੈ ਯਖਣੀ। ਆ ਯਖਣੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਯਖਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵਿਆਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਯਖਣੀ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ। ਪਰ ਹਾਲ ਨਾ ਆ ਬਟਵਾਰਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਨਾ ਨਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਸੁਲਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ। ਟੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਟੱਪ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆ? ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੱਲ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਘਰ ਚੱਲਨੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਕੱਢ ਪਾਚਰਾਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ? ਚਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਿਓ ਆ ਤੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ।
ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਹਾ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸ 'ਚ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਚਲੇ ਤੂੰ ਰੋਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੰਸੂ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਮੱਛ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਸੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਢਾਉਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਆ ਇਧਰ ਆ ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੋੜ ਕੱਢ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਈ ਕੁ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਲੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਹੋ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਫੜ ਲਓ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾਗਾ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਖਿਦਮਤ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਧੋਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ ਲਈ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਤੂੰ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਧੋਈ ਦਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਯਖਣੀ ਯਖਣੀ ਲਿਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਇਹਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਯਖਣੀ ਲੈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਓ ਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਜਾ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਆ ਡੋਂਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਯਖਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਯਖਣੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਪੋਤੇ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਯਖਣੀ ਅਰੇ ਮੈਲ ਸ਼ੈਲ ਕੱਢ ਦੋ ਮਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਖਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਟਿੱਡ ਸੜਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸੜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਕਹੀਂ ਮਚ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੈ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸਟ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਏ